Good morning students, welcome to Victorious International School Atroli. Now we start exercise 1.2, question number 1. What should we add it to the following that the sum may be 0? Minus 5.7 में हम क्या add करेंगे कि ये 0 हो जाए, तो हमें इसे कैसे करना है? Minus 5.7 में हम x add करेंगे, तो इसके क्या हो जाएगा? 0, तो x equal to क्या आ जाएगा? इधर जाके positive 5.7, same ऐसे 13/1 में plus x करेंगे equal to 0, तो x equal to minus के 13/11 आ गया. Second question है, find the reciprocal of the following rational number. तो देखिए minus 6/7 का reciprocal निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, x की मल्टीप्लाई करके हम इसमें क्या करेंगे, इक्वल टू 1 कर देंगे, तो x इक्वल टू 7/-6 आ जाएगा. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर हम बी करेंगे, 3/-5 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5/3 आ जाएगा. ये क्वेश्चन नंबर हम 3 में आएंगे, सबट्रैक्ट द सम ऑफ -3/10 एंड 5/8 फ्रॉम द सम ऑफ 4/15, तो हमें क्या करना है, देखिए इन दोनों का पहले सम इक्वल टू, ये हमने निकाल लिया कितना आ गया हमारा 30/14 आ गया, फिर इन दोनों को सॉल्व कर लिया, नीचे वालों को एलसीएम लेके इनका सम कितना आया था हमारा, ये दोनों के सम में से माइनस कर दिया, जो डिफरेंस आया हमारा कितना आ गया 11/-24. सेम क्वेश्चन नंबर 4 है, सबट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड फ्रॉम दिस, तो हमें क्या क्या, पहले इन दोनों का सम निकाल लिया, यहाँ पर इतना आ गया, फिर इन दोनों का सम निकाल लिया, ये आ गया, दोनों के सम को माइनस हमने कर दिया, तो ये हमारा क्वेश्चन आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5 है, सबट्रैक्ट द सम ऑफ द दिस एंड फ्रॉम द दिस, तो हमने सबसे पहले देखिए इन दोनों का सम निकाला, यहाँ पर ये आ गया, इन दोनों का सम ये आ गया, दोनों के सम में से नाउ माइनस कर दिया, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड बी एडेड टू द दिस एंड दिस, तो हमने क्या किया, पहले हमने इनमें क्या जोड़ा जाए, तो देखिए इनमें हमने क्या जोड़ा है, x जोड़ा जाएगा तो इतना आ जाएगा, तो हमने x रख के x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -2/15 आ गई. क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई, ये हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, तो इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 33/70 हमारा यहाँ पर आंसर आ गया. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 20 सिंप्लीफाई करना है. देखिए कोई भी चीज़ हमेशा याद रखिए कि माइनस के जैसे यह 30/9 लिखा हुआ है और डिवाइड के 2/15 है, तो हम क्या करेंगे इसे, ये जब जैसे ही ये डिवाइड का साइन आएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा और ये रिवर्स हो जाती है संख्या, 15 ऊपर चली जाती है और 2 क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है. ऐसे ही सेम ये क्वेश्चन, सेम ऐसे हम इसे सॉल्व करके इतना आंसर हमारा आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर सी में सेम यही प्रोसेस अपनाएंगे, क्वेश्चन नंबर डी भी हमें सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज 5/18 इफ वन ऑफ देम इज 3/10, हमें सेकंड फाउंड करना है. तो देखिए पहला नंबर हमारा ये दे रखा है, सेकंड हमारा क्या है, इसमें x हमने मान लिया इजकल टू 5/18 है, सॉल्व कर लेंगे x की वैल्यू आ जाएगी. द प्रोडक्ट ऑफ द टू रेशनल नंबर -1, तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर -1 है, वन नंबर हमें दे रखा है, तो हमने क्या किया, एक नंबर हमने x मान लिया, दूसरा हमें दे रखा था, तो x इंटू ये माइनस के हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 8/17 आ गई. क्वेश्चन नंबर 10, डिवाइड द सम ऑफ -13/5 एंड 12, वाई द प्रोडक्ट ऑफ -13/7 एंड -1, तो हमने क्या किया, इन दोनों को पहले सम किया, फिर हमने क्या किया, इसका प्रोडक्ट निकाल लिया, तो आंसर हमारा कितना आ गया, 2/5. क्वेश्चन नंबर 11, वेरीफाई एक्स वाई प्लस 7 इजिकल टू एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड, वाई टेकिंग एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू हमें दे रखी है, तो हमने देखिए यहाँ पे क्या लिया, सीधे पहले अपना ये लिख लिया, एक्स की वैल्यू 3/13 हमें दे रखी है, वाई की 2/7 दे रखी है, 7 की हमें -1/2 दे रखी है, हमने सबकी वैल्यू पुट करी, इधर भी वैल्यू पुट करी, दोनों को हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड आरएचएस के बराबर हमारी आ गई. क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई एक्स इंटू वाई प्लस जेड इजकल टू एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड, तो हमने यहाँ देखिए एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड आरएचएस के बराबर आ गई, तो हमारा क्या है, आंसर वेरीफाई हो गया. सेम क्वेश्चन नंबर बी में करना है. क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, राइट टू रेशनल नंबर विच आर देयर ओन रेसिप्रोकल, तो हमें क्या है, दो नंबर ऐसे बताने हैं कि जो है, ठीक है, तो हमने देखिए एक नंबर हमारा 1, दूसरा क्या होगा हमारा -1. क्वेश्चन नंबर 14 है, विच रेशनल नंबर इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिफाई बाय रेशनल नंबर, तो 1 हमेशा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है. ये हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है. एक एक्सरसाइज में सिर्फ सॉल्यूशन है, हमें जो हमने वर्क कराया है उसे एक बार रफ कॉपी पे करके हमें चेक करना है, तो हमारे सॉल्यूशन सारी हमारी जो कैलकुलेशन है वो सही आ जाएगी, ठीक है. और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कभी भी वीडियो कॉल पे, व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू तुम लोग पूछ सकते हो. ओके, थैंक यू.